बच्चों, आज का हमारा विषय है महासागरीय जल। बच्चों, आप महासागर नाम से परिचित हैं, जैसा कि हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी पर इसका ग्लोब यदि हम देखें तो दो प्रमुख स्थलाकृति हैं, महाद्वीप और महासागर। ये जो महासागर है ये संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 2/3 हिस्से में फैले हैं, ये आप जानते हैं बच्चों। यही जो महासागर है, इन महासागरों के 5 प्रमुख नाम है या 5 प्रमुख महासागर हमारे पृथ्वी पर विद्यमान हैं। पहला, प्रशांत महासागर। पृथ्वी के जितने भी महासागर है उस महासागर का लगभग आधा भाग प्रशांत महासागर के रूप में फैला हुआ है। इसका विस्तार आप देखिए, उत्तर में बेरिंग जल डमरू से दक्षिण में अंटार्कटिका तक ये फैला हुआ है। ये महासागर के जो किनारे हैं, एक तरफ उत्तर और दक्षिण अमेरिका तो दूसरी तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। ये प्रशांत महासागर की सीमा है, बहुत ही विस्तृत ये महासागर है, उतना ही गहरा है, लगभग 5000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। इसके उत्पत्ति के संबंध में ऐसा मत है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ, क्योंकि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी का ही टूटा हुआ एक हिस्सा है, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ था उस समय एक बड़ा सा गहरा गड्ढानुमा आकृति बन गई थी और कालांतर में ये धीरे धीरे भरने लगा और यही प्रशांत महासागर के रूप में वर्तमान में जाना जाता है। जबकि जो विवर्तनिक सिद्धांत है उसके अनुसार महासागर और महाद्वीप जो पृथ्वी के दो बड़े भाग थे, जिसे हम पेंजिया और पेंथालासा के नाम से जानते थे, यही पेंजिया के विखंडन के साथ पेंजिया कई टुकड़ों में बटा और अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हुआ है। जब कुछ हिस्सा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ, जिससे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, उससे मध्यवर्ती भाग में अटलांटिक महासागर बना। नीचे में यदि हम देखते हैं तो यूरेशिया का हिस्सा उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, तो दक्षिण का जो हिस्सा था वहाँ हिंद महासागर बना और पेंथालासा का जो शेष हिस्सा था यह प्रशांत महासागर के रूप में विस्तृत हुआ है। दूसरा प्रमुख महासागर है अंध महासागर। ये महासागर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इसके एक तरफ और दूसरे तरफ यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में ये लगभग अंग्रेजी अक्षर के एस की भांति फैला हुआ है। यह भी उत्तर में ग्रीनलैंड के पास से यदि हम देखें तो दक्षिण में अंटार्कटिका तक यह उत्तर से दक्षिण विस्तृत है, लेकिन प्रशांत महासागर के आधा है। ये जो महासागर है यहाँ पर मध्यवर्ती भाग में है और जैसा अभी बताया कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर सरकने से विकास हुआ है। तीसरा प्रमुख महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर बहुत ही छोटा है, लगभग 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला है, लेकिन इस महासागर का महत्व हमारे देश के लिए बहुत अधिक है। हमारे देश के दक्षिण में है ये, वैसे विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण महासागर है और इसकी जो सीमा उत्तर में एशिया महाद्वीप, तो इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका और पूर्व में द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया इसकी सीमा बनाते हैं। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर मानसूनी जलवायु
का विकास होता है। तो ये तीन बड़े महासागर, इसके अलावा दो और महासागर है। एक कहलाता है उत्तरी ध्रुव महासागर। देखिए यहाँ पे जो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, इस स्थलखंड ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है और बीच का जो हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव महासागर कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण में जो अंटार्कटिका द्वीप है इसके चारों तरफ फैला हुआ थोड़ा सा क्षेत्र जो है वह अंटार्कटिक महासागर कहलाता है। तो ये तो महासागरों की जानकारी हुई। इसके बाद हम जानेंगे बच्चों जल चक्र। जल चक्र क्या है? तो जल चक्र पृथ्वी पर जो सतत चलने वाली जल की एक प्रक्रिया, चक्र यानी जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर ख़त्म हो रहा है, उसको हम चक्र कहते हैं। तो जल की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसके तहत समुद्र, वायु और स्थल मंडल के बीच में कभी भी संपर्क नहीं टूटता। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक चक्र का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं जल चक्र। जल चक्र जो है ये वर्षा, समुद्र और वायुमंडल और धरातल, इनके विनिमय एक्सचेंज की प्रक्रिया है। कैसे एक्सचेंज? धरातल का जल या महासागर का जल, इसका वाष्पीकरण होता है। जल वायुमंडल में ऊपर उठता है, ऊपर जाने के बाद संघनन होता है और संघनन के बाद यह वाष्प जो है वो जल में परिणित होता है और उसके बाद वर्षा होती है। वर्षा में ये जल पुनः धरातल और महासागर पे आता है। जो वर्षा का जल धरातल पे आता है यह नदियों के माध्यम से फिर से महासागर में जाता है, पुनः वाष्पीकरण, यानी एक चक्र चल रहा है और ये सब एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे, परिणित हो रहे हैं। तो इस प्रकार इन समुद्र, वायु और स्थल और वर्षा का जो एक्सचेंज होना ही जल चक्र कहलाता है। जल चक्र में जो प्रमुख तत्व है ये है वर्षण, फिर जल प्रवाह, फिर वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ये दो शब्द है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण क्या है? जब समुद्र का, नदी का या विभिन्न क्षेत्र का जो जल है ये जल गुप्त ऊष्मा के माध्यम से जब वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और ऊपर जाने लगता है वायुमंडल में, तो इसको हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन ये वनस्पतियों में पाई जाने वाली नमी का जो ऊर्जा के द्वारा वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है, इसे हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। और ये दोनों प्रक्रिया के माध्यम से जल का वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन हुआ और वर्षा के रूप में ये पुनः धरातल पर आ जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं बच्चों कि वाष्पीकरण कैसे हो रहा है। जल ऊपर उठ रहा है, संघनन हो रहा है और फिर से बादल बन करके ये पानी धरातल पर आता है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया में सबसे पहली जो प्रक्रिया है ये होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। और वाष्पीकरण के बाद जब संवहन के माध्यम से पुनः वर्षण की जो प्रक्रिया होती, तो वर्षण में जो जल प्रवाहित, जल आता है, ये जल धरातल पर प्रवाहित होता है। कुछ जल धरातल के माध्यम से भीतर की ओर चला जाता है, धरातल इसको सोख लेता है और ये भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार के जल को अंतःस्पंदन कहते हैं। जबकि कुछ जल धरातल के ऊपर में वर्षा का जो जल ये आता है और ढाल का अनुसरण करते हुए ये विभिन्न नदी नालों के माध्यम से
पुनः महासागर में चला जाता है और पुनः इसका वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है धरातल और महासागरों में होने लगती है। तो इस प्रकार से जो जल चक्र है, ये जल चक्र चार बातों पर आधारित है। पहला जो है यह है वर्षण। वर्षा के माध्यम से यह जल वायुमंडल का जल धरातल पर महासागरों पर आता है। दूसरा है वायुमंडल का परिसरण। इसके अंतर्गत जो हवाएं हैं, ये हवाएं धरातल से जो जल का वाष्पीकरण हुआ है, इन वाष्पों को ये हवाएं बहुत दूर तक बहा कर ले जाती है और विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तीसरी जो प्रक्रिया होती है धरातल का प्रवाह। धरातल पर भी ये जल जब गिरता है तो कुछ का तो अंतःस्पंदन हो जाता है, भूमिगत हो जाता है, कुछ जल नदियों नालों के माध्यम से पुनः समुद्र की ओर जाता है और पुनः वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ये इसको चौथी प्रक्रिया कहो या पहली, तो ये एक सतत चक्र के रूप में, साइकिल के रूप में चलता रहता है, तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। आइए अब हम अध्ययन करते हैं महासागरों के तली का। महासागर की तली कैसी है? बच्चों, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जिस प्रकार से महाद्वीपों पर पर्वत पठार और मैदान पाए जाते हैं, उसी प्रकार से महासागरों की तली भी एक जैसी नहीं है। इस तली को भी हम कई नामों से बांटे हैं, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे या गंभीर महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, ये प्रमुख स्थलाकृतियाँ हुई। इसके अलावा और भी कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ महासागरों में भी पाई जाती है। आइए हम इन स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। इन स्थलाकृतियों के बारे में हम जानेंगे, इनसे परिचित होंगे कि ये कैसी स्थलाकृतियाँ हैं। तो सबसे पहली आकृति है महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको कहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? उथले समुद्री भाग हैं और ऐसा माना जाता है कि महाद्वीपों का ही विस्तृत भाग है जो या तो जलमग्न हो गया है कालांतर में, या महाद्वीपों से लाए गए जो अधिकांश मलबा है उसके कारण इसका जो बिछाव है ये इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। तो इस प्रकार जो समुद्रों में डूबे हुए तट, हम इसको कह सकते हैं, इन्हें हम जलमग्न तट कहते हैं। इसकी गहराई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। सामान्यतया इसकी जो गहराई है 180 मीटर तक पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये जो तट है ये 65 से 500 मीटर की गहराई में भी देखने को मिलते हैं। ये जो जलमग्न तट है इनमें ढाल बहुत कम होता है, सामान्यतया 1 इंच या उससे भी कम ढाल होता है, और हिम क्षेत्र में ये जो जलमग्न तट है ये बहुत ही मंद होते, 1 इंच से भी कम ढाल यहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ पर विवर्तन की जो क्रियाएं होती है ये जब तीव्र होती है तो उस क्षेत्र में ये जो जलमग्न तट है ये तीव्र ढाल वाले होते हैं। इन जलमग्न तटों का विस्तार यदि हम देखें तो संपूर्ण महासागर के केवल 8% भाग ही जलमग्न तटों से विद्यमान है। जलमग्न तट का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। यहाँ पर जो जलमग्न तट है ये लगभग 12.5% क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि प्रशांत महासागर में जो जलमग्न तट है ये केवल 7% और हिंद महासागर में जलमग्न तट जो है ये 6.5%
क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दूसरी जो आकृति है इसे हम कहते हैं जलमग्न ढाल। जहाँ से जलमग्न तट समाप्त होता है वहीं से जलमग्न ढाल प्रारंभ हो जाता है। ये ढाल तटों की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं और इन ढालों पर तेजी से जो पदार्थ है वो नीचे की ओर चले जाते हैं। सामान्य रूप से ये जो ढाल है इसका औसत स्वरूप यदि हम देखें तो 2 अंश से 5 अंश तक ये ढाल देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे महाद्वीपों के तट अलग अलग होते हैं वैसे ही जहाँ पर महाद्वीपों के तटों पर पर्वत अधिक देखने को मिलते हैं तो इन क्षेत्रों में जो ढाल है वो 3 अंश से 5 अंश तक भी देखने को मिलता है। जबकि जहाँ महाद्वीपों के तटों पर मैदान होते हैं तो उन क्षेत्रों में ढाल 2 अंश के लगभग ही पाया जाता है। भारत में जो कालीकट के पास में जो कोझिकोड तट है ये तट काफ़ी तीव्र ढाल वाला है। यहाँ पर लगभग 5 अंश जो है वो मग्न ढाल यहाँ देखने को मिलता है। कुछ बहुत तीव्र ढाल वाले भी क्षेत्र हैं जैसे स्पेन का जो सेंट हेलना का क्षेत्र है यहाँ पर 40 अंश ढाल मग्न ढाल देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सेंट पॉल के पास में 33.5 डिग्री जो है वह ढाल देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं पर ये ढाल बहुत तीव्र होते हैं और सामान्य रूप से ये ढाल 2 अंश से 5 अंश तक होते हैं। ये हम कह सकते हैं जहाँ से ढाल प्रारंभ हो रहा है यह महाद्वीप की अंतिम सीमा होती है, क्योंकि जैसा अभी बताए मग्न तट संभवतः महाद्वीप के विस्तार का क्षेत्र है जो कि काफ़ी उथले होते हैं। और इस प्रकार से महाद्वीपों की अंतिम सीमा जो होती है इसे हम मग्न ढाल कहते हैं। अटलांटिक महासागर में ये जो मग्न ढाल है ये लगभग 12% क्षेत्र में है, जबकि प्रशांत महासागर में ये मग्न ढाल काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तीसरी जो स्थिति है इसे हम कहते हैं गंभीर महासागरीय मैदान। ये गंभीर महासागरीय मैदान मग्न ढाल के बाद ये वृहत क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये बहुत ही मंद ढाल वाले मैदान होते हैं और इनका जो ढाल होता है सामान्य रूप से 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। ये जो गहरे मैदान हैं इसकी औसत गहराई 3000 से 5000 मीटर के लगभग पाई जाती है। इसमें से लगभग 76% क्षेत्र सपाट होते हैं और इन क्षेत्रों में सामान्यतया मिट्टियाँ जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं ये इस क्षेत्र में वनस्पति के अवशेष मिट्टियों में लाल मृत्तिका जो होती है ये सबसे अधिक पाई जाती है। ये जो गहरे महासागरीय मैदान हैं इनका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कम और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है। सामान्य रूप से 20 अंश उत्तर से 60 अंश दक्षिण के बीच में इसका विस्तार अधिक है, जबकि 60 अंश से 70 अंश उत्तर में तो ये मैदान बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। 60 अंश दक्षिण में इसका क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है। इस प्रकार से ये जो गहरे महासागरीय मैदान है
अटलांटिक महासागर में इसका 55% पूरे महासागर का 55% हिस्सा जो है ये इन्हीं मैदानों में है, जबकि प्रशांत महासागर का 80% भूभाग और हिंद महासागर का 81% भूभाग गहरे महासागरीय मैदानों के अंतर्गत आता है। लेकिन सन 1947 में जो महासागरीय खोज और अन्वेषण का कार्य हुआ है, इसके तहत ये बताया गया है कि ये महासागरीय मैदान लगभग समतल नहीं है, बल्कि इसमें ऊबड़ खाबड़ आड़ी तिरछियां, कटक और पहाड़ियां देखने को मिलती है। ये कटक और पहाड़ियां जो है, इसमें जो कटक है ये काफ़ी ऊंचे हो गए हैं, और कुछ कुछ कटक तो इतने ऊंचे हो गए हैं कि ऊपर समुद्र के ऊपर में कुछ द्वीप जो दिखाई देते हैं वो इन्हीं कटकों के ऊपरी या शीर्ष वाले भाग है। इसके उदाहरण के रूप में हम जापान के द्वीप समुदाय को ले सकते हैं, जो कि इन्हीं महासागरीय कटकों का ऊपर उठा, जो जल के तल से ऊपर उठा भाग है। तो ये गंभीर और गहरे महासागरों का उल्लेख हुए। महाद्वीपीय मग्न तट में अटलांटिक महासागर का जो सर्वाधिक क्षेत्र है 13.3% यह मग्न तट में आता है, जबकि प्रशांत महासागर का 5.7% और हिंद महासागर का 4.1% क्षेत्र जो है यह मग्न तटों के अंतर्गत आता है। महासागरीय गर्त बहुत अधिक बिखरे हुए हैं, कहीं जगह पे नहीं हैं, और ये महासागरों के बीच में नहीं पाए जाते, बल्कि ये सामान्य रूप से महाद्वीपों के किनारे में, यदि पर्वतीय श्रृंखला या पठार है तो उसके किनारे में देखने को मिलते हैं, या फिर जो महासागरों के बीच में जो कटक और पहाड़ियाँ पाई जाती तो उनके आसपास में ये गर्त सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ये गर्त बहुत ही तीव्र ढाल वाले और बहुत कम क्षेत्रफल वाले होते हैं। संपूर्ण महासागर के केवल 7% हिस्से जो है ये गहरे महासागरीय गर्त होते हैं। यहाँ का जो वातावरण होता है पूरी तरीके से अंधकारमय होता है, लेकिन बहुत ही ठंडा वातावरण यहाँ पर होता है। सामान्य रूप से इन गर्तों का जो निर्माण हुआ है वलन या भ्रंशन की क्रिया, और कहीं कहीं पर टेक्टोनिक क्रियाएं भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, और इस प्रकार से इन गर्तों का निर्माण हुआ है। विश्व का जो सबसे गहरा ज्ञात गर्त है, जहाँ तक लोग पहुँच पाए हैं, ये गर्त जो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जो गुआन द्वीप के पास है, और इसकी गहराई 11,033 मीटर आंकी गई है। ये सबसे विश्व का ज्ञात गहरा गर्त है। इसके अलावा और भी जो गर्त है, इसमें फिलीपींस गर्त जो आता है, या जापान के पास का जो गर्त है, ये भी इसी में सम्मिलित है। तो ऐसे विभिन्न गर्त, क्यूराइल गर्त है, या फिर एलुशियन गर्त है, फिलीपींस गर्त है, तो अटाकामा के पास का गर्त है, तो ये सभी गर्त गहरे गर्तों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अभी तक जो ज्ञात गर्त हैं महासागरों में, इनकी संख्या 57 है, और इसमें 32 गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि 19 गर्त अटलांटिक महासागर में, और केवल 6 गर्त जो है ये हिंद महासागर में स्थित है।
महासागरों की ये जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, इनके अलावा कुछ और भी अन्य स्थलाकृतियां महासागरों में पाई जाती है। इन स्थलाकृतियों में कटक, बच्चों जैसे बताया कि ये जो गहरे महासागरीय मैदान है, यहाँ पर कुछ उबड़ खाबड़ भूमि जो होती है, ये कटकों के नाम से जानी जाती है। विवर्तनिक शक्तियाँ इसमें, इस कटकों के निर्माण में सक्रिय होती है। सामान्य रूप से जो तीव्र ढाल वाले कटक होते हैं या अंदर के जो कटक होते हैं, ये ऊंचे पर्वतों की भांति खड़े रहते हैं, जबकि जो जिनका ढाल मंद होता है, ये पठारों के समान चौरस क्षेत्र होते हैं। ये जो कटक है, यही कटक जब ऊपर उठ जाते हैं तो इसके कुछ ऊपर उठे भाग द्वीप समूह के रूप में उभर आते हैं, जैसा बताया कि जापान, ऐसे ही बहुत से द्वीप समूह अलग अलग महासागरों में ये देखने को मिलते हैं। ये कटक प्रत्येक महासागर में अलग अलग आकार में हैं, जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये अंध महासागर का कटक जो है, ये उत्तर से दक्षिण तक पूरा एस आकार में फैला हुआ है। यदि हम इस कटक का अध्ययन करेंगे तो सामान्य रूप से इस कटक का जो निर्माण हुआ है, ये ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया के फलस्वरूप है, या विवर्तनिक प्रक्रियाएं यहाँ पर अधिक संलग्न हुई है। दूसरा, इसी कटक की तुलना में जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, जो अपने आसपास के तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई वाले होते हैं, इन्हें हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये जो पहाड़ियाँ होती है, जब ये पहाड़ियाँ कम ऊंचाई वाली और चौरस होती है, तो इन्हें गायॉट कहते हैं। ये लगभग पठार नुमा आकृति होती है। महासागरों में इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है। अकेले प्रशांत महासागर का यदि अध्ययन किया गया तो यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इसके बाद की आकृति है जलमग्न कैनियन, सबमराइन कैनियन इसे हम कहते हैं। ये गंभीर महासागरों में 2000 से 3000 मीटर की गहराई पर प्रायः देखने को मिलते हैं। ये कैनियन बनने की जो दशाएं हैं, ये अलग अलग मानी जाती है, जिसमें पहली दशा ऐसी हो सकती है कि कुछ कैनियन मग्न तट से प्रारंभ होकर के जलमग्न ढाल तक विस्तृत हो गए हैं। इस प्रकार का जो कैनियन का उदाहरण, इंग्लैंड का ओशनोग्राफर कैनियन है। दूसरा, ऐसे कैनियन हो सकते हैं जो नदी के मुहाने से मग्न तट तक विस्तृत होते हैं, और इस प्रकार के कैनियन का जो अध्ययन किया गया है, इसमें कांगो जायरे नदी या मिसिसिपी नदी और सिंधु नदी के जो कैनियन हैं, वो इसी प्रकार के कैनियन हैं। तीसरे प्रकार का जो कैनियन है, जो मग्न तट के किनारे से मग्न ढाल पर ये एक वृक्षाकार स्वरूप में दिखलाई देते हैं, और इस प्रकार के जो कैनियन हैं, ये कैलिफोर्निया तट के पास का कैनियन है। तो ये कैनियन, गहरे कैनियन, यह भी महासागरों की स्थलाकृति है। इसके अलावा अगली जो स्थलाकृति है, इसे हम सागरीय बैंक कहते हैं। ये सागरीय बैंक क्या है? महासागरों में कुछ उथले और चौरस चबूतरों जैसी आकृतियां विकसित हो जाती है,
ये आकृतियाँ काफ़ी उथली होती है और उसके कारण इस क्षेत्र में मछलियों का विकास बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये जो उथले चौरस चबूतरे हैं ये बैंक के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बैंक का नाम आपने सुना होगा बच्चों, जैसे ग्रैंड बैंक। ये देखिए न्यूफाउंडलैंड का जो तटीय भाग है, उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तट है, यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड एक छोटा सा द्वीप है, इसके तट में यहाँ पर ग्रैंड बैंक स्थित है और इस क्षेत्र में मत्स्य पालन बहुत अधिक मात्रा में होता है। लगभग इस क्षेत्र के 90% लोग मत्स्य पालन में जुड़े हैं। यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड से यदि हम यूरोप में इंग्लैंड की तरफ जाते हैं तो एक दूसरा बैंक है जो इंग्लैंड के पास में स्थित है, यह है डागर बैंक। यह भी मत्स्य उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और केवल यही दो नहीं, इस वृहत क्षेत्र में अनेक बैंक है जहाँ पर मत्स्य उत्पादन की जो क्रिया है बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा महासागरों के किनारे वाले हिस्से में जहाँ पर महाद्वीप और महासागर मिलते हैं, तो जो भाग स्थल से घिरे होते हैं या पर्वतीय क्षेत्र से घिरे होते हैं, तो उन क्षेत्रों में अनेक सीमांत सागर जैसे भूमध्य सागर, लाल सागर, जापान सागर, ऐसे आपने कई सागरों के नाम जाने होंगे, तो ये सभी किनारों पर पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर खाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। तो ये सीमांत सागर और खाड़ियाँ यह भी महाद्वीप महासागरों की स्थलाकृति का एक हिस्सा है।